भाजपा कतरास मंडल को सभी प्रदेश पदाधिकारियों, कार्य समिति सदस्यों, मंच मोर्चा के अध्यक्ष, सभी वरीय कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्षों की एक बैठक बुलाई गई। बैठक में महामंत्री प्रकाश राय गुप्ता मौजूद रहे। वहीं धनेश्वर महतो, जिला उपाध्यक्ष सह कतरास मंडल प्रभारी ने स्पेशल टास्क देने को लेकर चर्चा की और सभी उपस्थित कार्यकर्ता को टास्क दिया गया कि सभी कार्यकर्ता आगामी चुनाव को लेकर बूथ कमेटी मजबूत करे ताकि आने वाले चुनाव में भाजपा का परचम लहराए। धनेश्वर महतो, जिलाध्यक्ष सह कतरास मंडल प्रभारी ने कहा है कि प्रत्येक हर 3 महीने पर भाजपा कतरास मंडल की बैठक होनी चाहिए और जो भी पदाधिकारी कार्य समिति सदस्य बैठक में अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें कार्यभार से हटाया जा सकता है। आज निर्धारित कार्य समिति सदस्य की बैठक भाजपा कतरास मंडल की गई। पहले कार्य समिति, प्रदेश कार्य समिति, जिला कार्य समिति मंडल की बैठक की गई है। सभी कतरास के पदाधिकारी सक्रिय हैं लेकिन कुछ अनुपस्थित भी हैं। निर्धारित मंडल कार्य समिति की बैठक आज कतरास मंडल की हुई, जिसमें यह बैठक जो है प्रत्येक 3 महीना में जो है होती है। सर्वप्रथम राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होती है, फिर प्रदेश कार्य समिति की, फिर जिला की और फिर मंडल की। तो आज मंडल कार्य समिति कतरास की बैठक हुई जिसमें मैं प्रभारी के रूप में। आपके जो द्वारा चयनित किए गए हैं कार्यकर्ता या पदाधिकारी कितने सक्रिय हैं? कार्यकर्ता पदाधिकारी तो सक्रिय है कतरास में। थोड़ी सी आज कुछ पदाधिकारी की अनुपस्थिति हुई है, हमने टास्क दिया है अगली बैठक से सारे लोगों को। अगर यही इसी तरह की लापरवाही रहेगी तो अगला भी आप जो चुनाव है लोकसभा विधानसभा कैसे उससे पहले हम लोग सारा कुछ ठीक ठाक कर लेंगे। अभी सारे लोगों को हम लोग बूथ कमेटी निर्माण के लिए जो है लगाए हैं और मजबूती से हम लोग जो है चुनाव लड़ेंगे। इस बार का चुनाव यही निगेटिव पॉइंट के चलते बहुत कम अंतराल से आप लोग विजय हुए, आने वाले दिन में क्या यही परिणाम रहे? नहीं, हम लोग उससे पहले लगातार हम लोग बैठकें कर रहे हैं और लोगों को सक्रिय कर रहे हैं। अगर वैसे पदाधिकारी जो बार बार अनुपस्थित रहेंगे तो फिर हम लोग उसको जो है उसके जगह पर दूसरे आदमी को हम लोग क्या। शुभ नाम धनेश्वर महतो, जिला उपाध्यक्ष और कतरास मंडल प्रभारी।